चीका के फंक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? कहीं कोई रास तो नहीं है जो ये लोग छुपा रहे हैं? क्या कर रही हो दी? वहां पे सत्यनारायण जी की पूजा चल रही हो, आप यहाँ फोन में क्या सोचेंगे आपके इन-लॉज? आप वहां जाओ, हम बात करते हैं। हेलो जानकी। हेलो। हेलो कौन? हम थोड़ी देर में बात करते हैं, शी इज बिजी राइट नाउ। तो जानकी से बात हो सकती है? थोड़ा अर्जेंट है प्लीज। हेलो भैया, थोड़ा जल्दी चलाइए, लेट हो रहा है। यहाँ नहीं है ना, तो हम तुम्हारा चेका हर्ष की फोटो के साथ करेंगे। यही वक्त है वंदना, मौके पे चौका मार दे। काफी खुश लग रही हो जानकी, और हो भी क्यों ना, आज तक जो सपने में भी नहीं सोचा वो सब पूरा जो होने जा रहा है, जस्ट लाइक ड्रीम कम ट्रू। ऐसे मानना पड़ेगा, इतने छोटे से घर की एक गरीब सी लड़की और कहां महलों में रहने वाला राजा, जिस हर्ष की कंपनी में अब तक तुम एक आम एम्प्लॉय हुआ करती थी, अब उसी हर्ष की तुम रानी बनने जा रही हो। सब कितने खुश, हमारा परिवार, हमारा परिवार। बस बेचारा हर्ष। वैसे तुम्हें नहीं लगता जानकी कि तुम्हारा ये जानने का हक है कि तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग मैं अपनी प्रिंसेस बनाना भी चाहता है या? क्या बातें हो रही हैं देवरानी जिठानी में? कुछ नहीं दादी, मैं तो बस पूछ रही थी कि हमारा दिया हुआ लहंगा इन्हें पसंद भी आया या नहीं। बहुत खूबसूरत लग रही है। पंडित जी, हम अभी आते हैं। थोड़ा जल्दी आना बेटिया। पापा, वो आपसे कुछ बात करनी है, जरूरी बात है, अंदर चलकर करें प्लीज। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? पापा, हमें एक बार ना हर्ष सर से बात करनी है। हर्ष सर से बात करनी बेटा? लेकिन वो तो विदेश में है ना, कैसे बात करें? पापा जो भी है, सिर्फ एक बार उनसे बात करनी है। पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है हमारा, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। एक बार बात करेंगे तो पता चलेगा कि कहीं वो ये शादी किसी प्रेशर में आकर तो नहीं कर रहे। फिर आप ही देखिए ना, वो छेका तक में नहीं है, हमें कुछ बताया तक नहीं। हम ये शादी नहीं कर पाएंगे जब तक हर्ष सर से बात नहीं होती। पापा, हमारी मन की संतुष्टि के लिए सिर्फ एक बार हमारी बात करवा दीजिए। ठीक है बेटा, तू अपनी मन की तसल्ली कर ले, है? मुझे इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, है? मैं बात करता हूँ शास्त्री जी से। जी आइए ना बाबू। जानकी एक बार हर्ष से बात करना चाहती है। हमने सब सुन लिया है, हर्ष से तुम्हारी बात हम करवाएंगे। तुम हमारे परिवार की बहू हो, हर्ष की होने वाली बीवी, इसलिए तुम्हारी हर इच्छा ये दादी पूरी करेगी। राम बेटा जी, जरा हर्ष को फोन तो लगाओ। जी
अभी बात करता हूँ। शुक्रिया। आफ्टर क्या चल रहा है सर? क्या सर तरह दिए और आप भी मान ली कुछ भी बोलेगी और अपना एक बार हर्ष से बात करना चाहती है। क्या बात करनी? अब ये कौन सी नई सरसा है? जब इन्हें परेशानी नहीं है तो हम क्यों बीच में काम कर रहा? आओ आओ आओ, कुछ भी आप कर रहे हैं। हेलो। डोंट वरी पापा, अब भाभी से बात कर लीजिए, भैया को मैं मना लूंगा। ठीक है बेटे। बस हर्ष की मीटिंग खत्म हो चुकी है, अब कुछ ही समय में वो ऑनलाइन आ सकता है। तुम्हारे पापा जी बहुत स्मार्ट है, आखिरकार हर्ष को वीडियो कॉल पे लाने का रास्ता निकाल ही लिया। दिखता ही नहीं रही। अब लगता है शायद इनका कैमरा ऑफ है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाय जीजू, सॉरी आपको मेरी वजह से थोड़ा सा वेट करना पड़ा। शास्त्री जी, आपको अगर बुरा ना लगे तो हम सब बाहर चलकर बैठे, दोनों बच्चों को अकेले बात कर लेते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कोई लड़का और लड़की को आपस में बात करने देते, कबाब में हड्डी बनने का कोई जरूरत नहीं। जी जी पापा, कह रहे थे आप मुझसे बात करना चाहती हैं, कहीं ना आप क्या बात करना चाहती हैं मुझसे? सर वो पूछना चाहती थी कि हमारा मतलब है आप हमारे साथ क्यों शादी करना चाहते हैं? हमारा मतलब है कि छोटे से शहर की मामूली सी लड़की है। क्यों? आई मीन यू नो, आई नो, मेरे लिए शादी कोई स्टेटस सिंबल नहीं है, मेरे लिए शादी एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है और उस रिश्ते को निभाने के लिए बड़ा शहर और छोटा शहर मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स टू मी इज आपकी और मेरी अंडरस्टैंड। जी सर, पता नहीं ये सवाल आपसे कैसे पूछे क्योंकि आपके लिए आपको बहुत पर्सनल सवाल होगा, हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है। आपने कभी किसी से प्यार किया है? आई मीन किसी के साथ आपको कभी प्यार हुआ? किया था। अगर रिश्ते में प्यार ना हो ना तो जिंदगी बड़ी अधूरी सी लगती है, और अगर रिश्ता प्यार भरा हो जिंदगी पूरी हो जाती है। पर हम ही क्यों, मतलब हमसे ही क्यों? बहुत अच्छे हैं। आपके लिए पैसों से कई कीमती हैं, रिश्तों के मायने आप रिश्तों को समझती हैं, उनको निभाना जानती हैं। आपके लिए सच्चाई, आपके उसूल, आप दोनों के लिए कभी समझौता नहीं करते। एंड आई लाइक दैट। लेकिन सर पता है जानकी जी, मुझे ये बात पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, पर मैं प्यार में पहले भी धोखा खा चुका हूँ। आप भी, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं, नया रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ना हम साथ में मिलकर ये रास्ता चले, क्या पता कोई मंजिल मिल जाए, क्या पता ये अनोखा से रिश्ते के अंदर ही कोई जन्मों जन्मों का बंधन छुपा हो। इसे वो कहते हैं प्रेम बंधन, वो प्रेम बंधन छुपा टूटे ना जन्म। मुझे जाना होगा, एक मीटिंग है, पर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा हो।
हाँ बोल दी। बधाई हो जी, बधाई हो, लड़की की हाँ हो गई, अब मुंह मीठा कराइए। अभी लेकर आती मिठाई। छेका देखा है तुमने कहीं? तुम्हारे घर वालों ने रिंग सेरेमनी को फोटो सेरेमनी बना के रख दिया। देखिए सुनिए सुनिए, आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं हम। शादी पटना में होगी और आप सबको मेहमान बनकर वहां आना है। शास्त्री जी, शादी तो लड़की के घर से होती है ना, तो पटना कैसे? वो भी तो लड़की वालों का ही घर है ना। अरे जानकी का पटना में ही घर होगा, शास्त्री मेंशन, वहीं शादी होगी। देखिए श्रीवास्तव जी, हम हर्ष और जानकी की शादी एक अलग अंदाज में करना चाहते हैं। आप गलत मत समझिए, ऐसी शादी करवाना चाहते हैं जो कभी शास्त्री परिवार में ना हुई हो और आगे चल के कभी ना होगी। आप जानते हैं हर्ष बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, हम सिंपल तरीके से भी उसकी घर शादी करवाएं ना, मीडिया वाले ये प्रेस वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे, परेशान करेंगे आपको, इसलिए ये सब हम पर छोड़ दीजिए। देखिए हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपका दिल दुखाएं, पर हमारा मकसद ये है कि हम आपको परेशानियों से बचाएं। और अब तो हमारा एक ही परिवार है ना, तो क्या मायका क्या ससुराल, हाँ वो भी जानकी का ही घर है। एकदम सही कह रहे भाई साहब, अब घर तो बहु बेटियों का ही होता है, तो जानकी का भी घर वो हुआ ना, तो वहाँ से अगर शादी होती है तो बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए, है ना? अरे बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है, कुछ ही देर में सब साथ में ही पटना के लिए निकलते हैं। जरूर। हे ईश्वर, अब शादी में कोई विघ्न ना हो। हर्ष शास्त्री, दुल्हन के बिना शादी नहीं होती, पर तुम्हारी दुल्हन तो मैं बनूंगी, जानकी नहीं। ये शादी नहीं होगी, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। ये लोग चले तो नहीं गए? डैमिट, दोबारा यहाँ आएंगे तो ये सब बदले ना बदले, पर हम बदल जाएंगे। जानकी श्रीवास्तव से जानकी हर्ष शास्त्री हो जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पे इनकी शादी तोड़नी है, लेकिन ये जानकी दिखे तो पीछे देखती हूँ।
फिर सब लोग गए कहाँ? मुझे किसी भी कीमत में दोनों की शादी तोड़नी है, वरना जान की दिखे तो। अभी हमें किसी लड़की ने पुकारा। लड़की? जी। यहाँ पर तो कोई लड़की है ही नहीं। हाँ, पता नहीं, हो सकता है कोई गलतफहमी हो गई हो। अब वो हम तुलसी जी का पौधा है, हमारी माँ हर दिन इनकी पूजा किया करती थी। कहती थी जिस घर में भी तुलसी माँ की कृपा होती है ना, वहाँ हमेशा खुशहाली बनी रहती है, और हम जब भी जाए इनको अपने साथ लेकर जाए, इसलिए हम यहाँ आए थे। जरूर बेटा, तुम्हारी माँ का आशीर्वाद और तुलसी माँ की कृपा दोनों तुम्हारे साथ हमारे घर पर जाएंगे। अब चले। श्याम शास्त्री ने मेरा पूरा खेल बिगाड़ दिया। वेलकम टू द शास्त्री आउटहाउस। ये हमारा सबसे छोटा बेटा है शिखर, और बहू का स्वागत तो आरती से होना चाहिए ना। ऑफ कोर्स। आरती की थाली थाली आ गई। पापा मैं करूं? श्योर। वेलकम, आइए आइए सब, अंदर आइए प्लीज, आइए आइए, बैठिए, अपने ही घर समझिए। कमन कमन कमन, वेलकम होम जेबी। क्या जेबी? शॉर्ट फॉर जानकी भाभी। वैसे ये भाभी अभी बोलना जरूरी है क्या? सिर्फ जानकी नहीं चलेगा। ओ छोटे नवाब, न्यू जनरेशन का काम क्या है? पुराने संस्कारों को आगे बढ़ाना। इतना इनफॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है, भाभी को भाभी बोलकर ही बुलाना है, समझे? कम ऑन, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप, भाभी के पैर छुओ, कम ऑन। एज यू से पापा, वरना यार मैं भाभी को तो वो फील नहीं देना चाहता था ना, कि ये टिपिकल वो देवर वाली फील। मैं तो इनफैक्ट इनको ये बोलना चाहता था कि भाभी हम जस्ट लाइक योर छोटा भाई। अरे छोटा ब्रदर इज ऑलरेडी है, आप देवर हो, देवर ही रहो। ओके ब्रो। चलो आप लोग सब आराम करो, हम लोग तिलक पर मिलते हैं। अरे सामान ऊपर ले जाइए। चलो बेटा देख तो सही, कितना सुंदर सजाया है इन्होंने। कितना बड़ा घर है ना पापा ये। हाँ बेटा, हमें तो इस बात की खुशी भी हो रही है और घबराहट भी कि हम फाइनली हर्षी से मिलने वाले हैं, वरना वीडियो कॉल पे बात करके रिश्ता बहुत अजीब सा लग रहा था। अजीब तो बहुत लग रहा था बेटा, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकता हूँ कि तुझे कैसा फील हो रहा होगा, लेकिन एक बात है, तू हर्षी को मिल लेगी ना तो तुझे अच्छा लगने लगेगा। ऐसे एक बात कब है, इस रिश्ते से कोई खुश हो ना हो, तेरी माँ और दामाद जी बहुत खुश है। अब पापा हाँ, हम बस अभी आते हैं। हाँ बेटा जा। ये तो माँ की साड़ी है जो आपने मैं दी थी ना शादी में पहनने के लिए।
पापा हम शादी में यही साड़ी पहनना चाहते हैं। ये पहनेंगे तो हमें लगेगा कि माँ भी हमारे साथ है। आप तो जानते ही हैं ये साड़ी हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। आप इनसे बात करेंगे ना कि हमें ये साड़ी पहने दें? हाँ, मैं बात करूंगा ना इन लोग से, और पूरा भरोसा है मैं उनको मना लूंगा। है सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।